यह है सुंदरपुर गांव के पास का एक जंगल। इस जंगल में चलता है एक खूंखार शेर का राज। अगर कोई न माने इसकी बात तो समझो हो गया उसका अंतिम संस्कार। इतना खूंखार होने के पश्चात भी जीत लेती है एक हथनी इस शेर का दिल। वो कैसे, चलिए शुरू से देखते हैं। एक जंगल में एक बड़ा हस्त पुष्ट शेर रहता था। शेर इस जंगल का राजा था। सभी जानवर शेर की बात मानते और एक बार शेर सभी जानवरों को अपने पास बुलाकर उनसे कहने लगा, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो और उसे अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने देखा है कि जब भी मैं नदी में पानी पीने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पानी गंदा हुआ मिलता है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं नदी से पानी ना पी लूँ कोई नदी का पानी नहीं पी सकता। और अगर किसी ने मेरी बात को नहीं माना तो फिर अपना अंजाम तुम जानते हो, समझे? सभी जानवरों को शेर का यह फैसला सही नहीं लगा, लेकिन अगर जानवरों ने उसकी बात ना मानी तो शेर उसको मार डालेगा। इसी डर की वजह से सभी शेर की यह बात मान लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एक हथनी अपने बच्चे के साथ उस जंगल में आ पहुंचती है। ज्यादा चलने के कारण हथनी और उसका बच्चा थक चुके होते हैं। उसका बच्चा बोलता है, माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा, मुझे पानी चाहिए। अपने बच्चे को प्यासा देख हथनी जल्दी से पानी लेने के लिए जाती है। चलते चलते हथनी एक नदी के पास पहुंच जाती है और उस नदी से अपनी सूंड में पानी भरने लगती है। तभी शेर भी वहां आ पहुंचता है। ओए हथनी, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, जो तुमने मुझसे पहले पानी पीने की हिम्मत की है? शेर महाराज, मेरा बेटा बहुत प्यासा है और उसे पानी ना मिला तो वो प्यास के मारे मर जाएगा महाराज। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरा नियम तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शेर महाराज, मेरा बेटा बहुत प्यासा है, अगर उसे पानी ना मिला तो वो प्यास के मारे मर जाएगा महाराज। मुझे बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचाना चाहती हो? लेकिन महाराज, अगर मेरे बेटे को पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। मैं अपने बेटे को पानी पिलाकर आ जाऊंगी, आप मुझे फिर कुछ सजा दे दीजिएगा। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? महाराज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। हथनी को ऐसे रोते देख शेर उसको जाने की इजाजत दे देता है। शेर को तो मालूम था कि हथनी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन हथनी अपने बच्चे को पानी पिलाकर अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास आती है। हथनी को अपनी ओर आते देख शेर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि शेर को यकीन था कि हथनी वापस नहीं आएगी। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? महाराज मैंने आपको वचन दिया था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ, अब मुझे चाहे जो सजा दे सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है, अब मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अब तुम्हारे साथ साथ सभी जानवर किसी भी समय पानी पी सकते हैं। शेर हथनी को इतना ईमानदार देखते हुए उसे छोड़ देता है और सभी जानवरों के साथ हथनी भी जंगल में मजे से रहने लगती है। और हथनी के बच्चे को फिर जब भी प्यास लगती तो वो ऐसे ही हथनी सूंड में पानी भरकर अपने बच्चे को पानी पिलाती। हमारी ईमानदारी ही हमें बहुत भारी मुसीबतों में भी बचा सकती है।